Hello students, today's topic is application of set theory. Okay, first point, to find the formula for n of a union b. Hame formula nikalna hai kiska n of a union b ka. N of a union b, n kya chiz hai? N ka matlab ho gaya number of elements in the set. Okay, jo bhi set diya ko uska. Jaise main le raha hu yahan pe, मैं एक ए सेट ले रहा हूँ, चल मिल रहा हूँ ए बी सी डी ई, तो इसमें जो एन ऑफ ए होगा, एन ऑफ ए का मतलब होगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स, कितने एलिमेंट्स हैं, एक दो तीन चार पांच, जितना है पांच, दैट इज कॉल्ड एन ऑफ ए. मींस हमें क्या करना है, एन ऑफ ए यूनियन बी निकालनी है, दो सेट की यूनियन करेंगे और उसका नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालेंगे. कहता है Let A and B be two sets. ये और B क्या है? दो sets. Then the following two cases arise. दो cases arise होंगे. क्या है case one? कहता है case one में अगर A और B क्या है? Disjoint set. Disjoint set क्या मतलब? इन दोनों में कोई भी common point नहीं हो. उसे क्या बोलते हैं हम? Disjoint set. जैसे right? That is लिखा होगा A and B have no common element. A और B में कोई भी common element ना हो. Then जब therefore हमारे पास n of a union b क्या आएगा, n of a plus n of b, मतलब union b इन दोनों सेट का जी दिया हो, जो सेट a है सेट b, इन दोनों की यूनियन क्या हो जाएगी, इन दोनों को ऐड कर देंगे, क्लियर, इसको इसको ऐड कर देंगे, मतलब समझ गया a union b, क्लियर, जो n of a union b है ना वो आती है n of a plus n of b, कब, जब हमारे पास क्या है a और b क्या होंगे, disjoint, मतलब दोनों में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं होगा. अब कहता है ये सेकंड कंडीशन दी हुई है, सेकंड कंडीशन में नाउ के सेकंड में क्या दिया हो हमें, ए एंड बी आर नॉट डिसजॉइंट सेट, ए और बी के हैं डिसजॉइंट सेट नहीं है. इट मींस ये किस तरह से होगा, हम यहाँ पे हम वेन डायग्राम ड्रॉ करते हैं, ये दी हुई है हमें, यहाँ पे हमने सेट ए लिया, ये क्या आ गया सेट ए आया, और ये क्या आ गया सेट बी आ गया. देखो ये जो था जो पीछे वाला हमने किया उसमें क्या था, देखो डिसजॉइंट के लिए क्या होना चाहिए, जे और जे दोनों में कोई कॉमन पॉइंट नहीं होना चाहिए, लेकिन इसमें क्या है, उसके बाद नॉट डिसजॉइंट, जे कॉमन पॉइंट यहाँ पे है हमारे पास, तो कॉमन पॉइंट है तो क्या आएगा, इसका मतलब जे क्या आ गया ए आ गया, और जे क्या आ गया ए इंटरसेक्शन बी, और जे क्या आ गया बी, राइट, और जे क्या आता है यूनिवर्सल सेट, क्लियर. तो इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास From the Venn diagram, A union B equals to क्या आएगा? Means n of A union B आएगा, n of A जैसे हम last में पिछले में किया n of A union B क्या होता है? n of A plus n of B means n of A union B का मतलब क्या? n of A plus n of B और माइनस क्या हो जाएगा, ये जो कॉमन पॉइंट है जी हम इसमें से निकाल देंगे, हम माइनस आ जाएगा एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, क्लियर. नाउ एक रिमार्क क्या है हमारे पास, रिमार्क में देते हैं हम आपको, जैसे जे लिखा हुआ हमने ए, इसको हम जो जे वाला पोर्शन है, जो जे वाला पोर्शन है इसको हम ए माइनस बी भी ले सकते हैं, और इसको बी माइनस ए, मीन्स ए माइनस बी क्या होता है, ए माइनस, जैसे मैं ये सेट ले रहा हूँ, जे ले रहा हूँ ए और जे बी, क्लियर, जो जे वाला पोर्शन होता है इसको बोलते हैं हम ए माइनस बी, राइट, और जो जे वाला पोर्शन होगा जे क्या आ गया बी माइनस ए, और जो जे मिडल वाला है इसको बोलते हैं हम इंटरसेक्शन, क्लियर, ए माइनस बी है. डायग्राम से ही बताते हैं, जी हमने रिमार्क में लिखना है क्या है, जो ए एन ऑफ ए यूनियन बी है ये किसके इक्वल आ सकता है हमारे पास, इसको लिखेंगे हम एन ऑफ ए माइनस बी प्लस एन ऑफ बी माइनस ए, और ये क्या आ जाएगा माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, क्लियर. जो ए माइनस बी है बी माइनस ए है हियर, ए माइनस बी बी माइनस ए एंड ए इंटरसेक्शन बी, राइट,
ये क्या होंगे आपस में और ऑल डिसजॉइंट सेट्स, ओके, और ऑल डिसजॉइंट सेट्स, क्लियर। तो अब क्या करेंगे हम, नेक्स्ट बताता हूं मैं आपको, जैसे जे वाला पोर्शन ले रहा हूं मैं, सिर्फ जे वाला पोर्शन ए, यू नो ए, ए किसके इक्वल है, रिमार्क सेकंड है, वी नो दैट जो ए है ए किसके इक्वल है, जो जे वाला सेट है, जे जे क्लियर हो रहा है आपको, ए किसके इक्वल है, ए माइनस बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, राइट, ए माइन ए जो ए है वो किसके इक्वल है, ए माइनस बी इंटरसेक्शन बी, सॉरी ए माइनस बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। तो यहां पे क्या लगा रहे हम, एन ऑफ ए, तो यहां पे जब एन ऑफ ए लगे तो क्या आएगा, एन ऑफ ए माइनस बी प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, एन ऑफ ए क्या आएगा, एन ऑफ ए माइनस बी प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये इसके इक्वल आ गया एन ऑफ ए। और अब यहां पे हम क्या करना हो, विच इंप्लाइज हमें एन ऑफ ए माइनस बी की वैल्यू अगर निकालनी हो तो ये किसकी इक्वल आएगा, एन ऑफ ए, जब इसको इधर ले आएंगे तो ये क्या बन रहा है, माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, फिर ये किसकी वैल्यू मिल गई हमें, एन ऑफ ए माइनस बी, क्लियर। अब क्या करेंगे हम, हमें चाहिए क्या, बी ऑल्सो, बी किसके इक्वल आएगा, बी आएगा हमारे पास बी माइनस ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, ये बी माइनस ए आ गया और ये क्या आ गया, यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, क्लियर। तो यहां पे क्या आ जाएगा, इसको मैं इरेज कर रहा हूं, अब यहां पे क्या आएगा हमारे पास, जो b है तो यहां पे क्या लगाया हमने, n ऑफ b, तो ये क्या बन जाता है, n ऑफ b माइनस a यूनियन, एंड यूनियन का क्या लग जाएगा, प्लस, तो क्या आ जाएगा, प्लस n ऑफ a इंटरसेक्शन b, तो हमें क्या निकालना है, n ऑफ b माइनस a, n ऑफ b माइनस a किसके इक्वल आएगा, n ऑफ B, और यहां पे क्या है, जब इस टर्म को इस तरफ लेंगे लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट जाएंगे तो साइन चेंज हो जाता है, नेगेटिव हो तो पॉजिटिव, पॉजिटिव हो तो नेगेटिव, इसी तरह से एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी है, ये पॉजिटिव है, जब इसको इस तरफ ले जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, नेगेटिव एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, क्लियर। देखिएगा फॉर्मूला, हमारे पास दो फॉर्मूले ड्राइव हो गए, मींस एन ऑफ ए माइनस बी इक्वल्स टू एन ऑफ ए माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, और एन ऑफ बी माइनस ए किसके इक्वल आता है, एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के इक्वल, दो फॉर्मूले ड्राइव हो गए हमारे पास। अभी क्या है, अभी एक और फॉर्मूला हमारे पास, हम आपको बताते हैं, जब तीन सेट्स की यूनियन निकालनी हो, इट मींस तीन सेट्स दिए हैं उनकी यूनियन निकालनी हो हमें, तो एन ऑफ, जैसे जे सेट ए आ गया, जे सेट बी आ गया, और जे सेट क्या आ गया, सी आ गया, मींस ए बी और जे क्या आ गया, सी, हमें क्या करना है, ए यूनियन बी यूनियन सी, मींस एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी हमें निकालना है। कैसे निकालेंगे, किसकी इक्वल आता है, जे आता है हमारे पास एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी, जब बी इंटरसेक्शन सी रखिए फिर आएगा माइनस एन ऑफ सी इंटरसेक्शन ए रखिए, ओके, फिर आता है प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। जी हम ड्राइव करेंगे कैसे आया जी, ओके, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी दिया, तो क्या करते हैं हम इसको, एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, राइट, जे हमें इस तरह से लिखा,
ए यूनियन बी किया हमने इसको, तो ए यूनियन बी किया तो क्या आएगा हमारे पास, ये आता है बीच इम्प्लाइज। देखिए एन ऑफ ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या होता है, ओके क्योंकि साथ में ये डिसजॉइंट नहीं है, मैं अभी जहां पे बनाए थे सारे सारे क्या है नॉट डिसजॉइंट, ओके तो डिसजॉइंट नहीं है तो क्या आएगा एन ऑफ ए यूनियन बी किसके बुलाता है, जैसे हम डिसजॉइंट एन ऑफ ए यूनियन बी सेकंड केस में किया हमने एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यहां पे वही आएगा एन ऑफ ए यूनियन बी प्लस एन ऑफ सी, जे पूरा ए है जे पूरा बी है, माइनस एन ऑफ ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ओके जे इस तरह से आएगा हमारे पास। अब यहां पे क्या लेंगे हम, यह आएगा इक्वल्स टू, अब एन ऑफ ए यूनियन बी इसको भी लगाओ फॉर्मूला, ये आएगा एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, क्लियर, तो ये आएगा प्लस एन ऑफ सी, और ये किसके वाला आएगा आगे वाला, यहां पे लेंगे हम एन ऑफ, देखो हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ पढ़ा था एन ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी है तो हम इसको ए इंटरसेक्शन सी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी हम लिख सकते हैं, राइट ये रीजन दे रहा हूं मैं, तो यहां पे क्या आएगा ए इंटरसेक्शन सी यूनियन ए इंटरसेक्शन सॉरी बी इंटरसेक्शन सी, क्लियर हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, क्लियर मैं इसको इरेज कर देता हूं, ओके जे हमारे पास आ गया, और इसका रीजन यहां पे लिख देते हैं हम ए इंटरसेक्शन सॉरी ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी किसके बुलाती है, ए इंटरसेक्शन सी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी के इक्वल आती है, क्लियर तो यहां पे क्या आ जाएगा इक्वल्स टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी, इनको पहले लिख दिया अब यहां पे आ गया माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, राइट अब क्या रहे हम जैसे जे दिया हुआ है माइनस लिखा है, अब एन ऑफ ए जे पूरा सेट ए है और जे पूरा सेट बी है, एन ऑफ ए यूनियन बी क्या आएगा, इस माइनस को इस तरह से रखा हमने बाहर और इसको लगाया हमने एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी, राइट इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, क्लियर जे इसके को लाया और जो जे वाला है ये, अब क्या करेंगे हम माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे इक्वल्स टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी, और जब जे माइनस इंटू माइनस मिलेगा तो क्या हो जाएगा प्लस एन ऑफ जाएगा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, रीजन कहता है ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी हो तो जे किसके इक्वल आ जाता है, जाता है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी के इक्वल आ जाता है, इसको हम एक ही बार क्योंकि सेट में जो है एलिमेंट्स रिपीट नहीं होते हैं इसीलिए इनको एक ही बार सी लिखा हुआ मैं, और जे किसके इक्वल आ जाएगा लास्ट में आ जाएगा हमारे पास दस एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी किसके इक्वल है एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी माइनस एन ऑफ मैं बी इंटरसेक्शन सी पहले लिख रहा हूं, ओके बी इंटरसेक्शन, और जहां पे क्या लिखा मैंने
मैं C इंटरसेक्शन A लिख सकता हूँ, क्यों? कमोडेटिव लॉ, हमने कमोडेटिव लॉ में पढ़ा था कि वो यूनियन और इंटरसेक्शन लॉ इंटरसेक्शन हैं, वो क्या है, कमोडेटिव है, इसलिए हम A इंटरसेक्शन C है तो हम C इंटरसेक्शन A लिख सकते हैं। किसी को डाउट है तो मेरा पिछला लेक्चर जरूर देख लेना, उसमें आपको ये लॉ सारे मिल जाएंगे, एसोसिएटिव लॉ, कमोडेटिव लॉ, डिवर्जेंस लॉ। ओके, अब ये क्या आ जाएगा, प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये हमारे पास क्या आ गया, ए फॉर्मूला ड्राइव हमने आपको कर दिया, जब तीन सेट्स की यूनियन निकालनी हो तो उसको किस तरह से हम ड्राइव करते हैं। आई होप कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो, अगर अच्छी लगी है तो शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा, और साथ में अगर आप चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, क्योंकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको आ जाए। ओके, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।